Let's begin with today's video. This video is dedicated to the preparation strategy for BEG 144, which is Understanding the Novel. और ये हमारा कोर्स है इन BA EGH IGNO. ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले तो हम लोग PYQ एनालिसिस करते हैं, जैसा मैं बाकी वीडियोस में भी करते हो. सो 144 में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी. सेक्शन ए में भी आपको चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच. सो बेसिकली अब पूरे पेपर में सिर्फ 20 मार्क्स आपका सेक्शन ए कवर करेगा एंड जो मेजॉरिटी पार्ट है सेक्शन बी वो कवर करेगा 80 मार्क्स का, ठीक है. और ये सेक्शन ए में आपको चार क्वेश्चंस लिखने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है. शॉर्ट नोट्स हैं तो ये 5 मार्क्स के हैं. इसमें आप 1 to 1.5 पेज लिखोगे तो काफ़ी है. और इसमें जो टॉपिक्स है वो आप देख सकते हो, प्राइमरी एपिक, एमोस, ट्यूटोला, लिटरेरी ट्रेंड्स इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड, प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, नॉवल्स ऑफ द डायस्पोरा, हिस्टोरिकल नॉवल. तो ये इन चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं. तो पिछले साल ये पूछा गया, इस साल कुछ और पूछा जाएगा, अगले साल कुछ और पूछा जाएगा. सो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन रखनी है कि कुछ भी पूछे आप अटेम्प्ट कर पाओ. सेक्शन बी में आते हैं तो यहाँ भी आपको सेक्शन ए की तरह चार क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन जहाँ सेक्शन ए में एक क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स के थे, वहीं सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कैरी करेगा 20 मार्क्स. तो आप देख सकते हो इनटू 4 का सीधा चेंज हो गया है प्रपोर्शन. यहाँ से क्वेश्चन जो 2 है, राइट अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द अवेकनिंग. बस एक बार ध्यान देना यहाँ एकदम बढ़िया से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 144 जो है वो बाकी सारे कोर्सेज से थोड़ी अलग है, उसकी एग्जाम थोड़ी अलग होती है एंड थोड़ी ज़्यादा टफ होती है. याद रखना कि इसको पढ़ना और कवर करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है. तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. इसमें क्या है, आपको द अवेकनिंग का क्रिटिकल रिव्यू लिखना है, तो ये आप लिख सकते हो समरी देख करके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नोन टू अ नॉवलिस्ट, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन द टू मेन वंस. तो आप देख सकते हो उसमें तो कोई स्टोरी नहीं है, किसी नॉवल पे बेस्ड नहीं है, ये तो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, तो इसमें आपका समरी वीडियो काम नहीं आएगा. नेक्स्ट देखो, व्हाट वेयर द थीम्स ऑफ द अर्ली ओडिया नॉवल्स, क्या इसमें कोई स्टोरी है, नहीं है, तो यहाँ पे भी आप समरी से नहीं कवर कर पाओगे. कमेंट ऑन अफ्रीकाज इनिशियल कॉन्टैक्ट विथ यूरोप, ये भी सेम उसी तरीके का है, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गए हैं, इसमें समरी कहीं काम नहीं आएगी. कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है, जैसे उसमें से सोशियो पॉलिटिकल पूछ दिया जाता है किसी पर्टिकुलर नॉवल में से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पूछ दिया जाता है किसी भी नॉवल से, तो उसमें अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप समरी लिख के भी ठीक ठाक मार्क्स ले आते हो, लेकिन यहाँ वैसा क्वेश्चन ही नहीं है कि आप समरी लिख पाओ. फिर ये है, नॉवल पराजा इज अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये आप कवर कर पाओगे समरी से. तो बेसिकली इसमें आप दो ही क्वेश्चन कवर कर पाओगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ समरी देख के जाओगे. और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है और ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. सो मैं ये कह रही थी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ समरी वीडियो देखकर जाने वाले स्टूडेंट हो तो थोड़ा ध्यान दो, 144 सिर्फ और सिर्फ समरी देखने से कवर नहीं होगा, इसके लिए बुक रीडिंग ज़रूरी है, बुक रीडिंग एंड स्मार्ट वर्क. तो आप देख पाओगे अगर आप मान लो सिर्फ और सिर्फ समरी वीडियो देख के जा रहे हो तो क्या होगा, आप सेक्शन ए के तो कुछ नहीं लिख पाओगे, सेक्शन बी में से मुश्किल से आप कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको 40 मार्क्स आएंगे और 40 में 40 तो वो देते नहीं है, तो आपको 100% बैक लग जाएगा. सो समरी पे डिपेंडेंट मत होना. डायरेक्टली चलते हैं बुक के तरफ कि किस तरीके से कवर करना है और क्या स्मार्ट वर्क करना है. BEG 144 Understanding the Novel. सबसे पहला जो ब्लॉक है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ यूजुअल, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट नोट्स यहीं से आ जाएंगे और एक या दो जो क्वेश्चन है लॉन्ग वाला वो भी कवर हो जाएगा. सो इसमें देखो, ब्लॉक 1 को पढ़ना स्टार्ट करना सबसे पहले एंड साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलना. अगर बुक है तो बुक के साइड में जो पेज में ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पर, और नहीं बुक नहीं है सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हो तो फिर कॉपी वगैरह. और नोट्स मतलब
लाइन बाय लाइन वाला नहीं कि पूरे लंबे लंबे लाइंस लिख रहे, नहीं, की वर्ड बस लिखना है, ठीक है, ओनली की वर्ड्स, दो तीन जो फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, ताकि मतलब आप एक बार रिवाइज कर लो उसको, एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको देख लो तो वो याद हो जाता है, ठीक है, एंड पॉइंट्स लिखने में बहुत काम आता है वो. नॉवल एंड इंट्रोडक्शन, ये है ब्लॉक वन, इसमें चार यूनिट्स हैं, एक एक करके सारे यूनिट्स को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है. पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, इसमें काफ़ी कुछ है. डिफाइनिंग अ नॉवल, ये तो डेफिनेटली पढ़ोगे, इसमें मैं क्या बताऊँ कि नॉवल का डेफिनेशन ही छोड़ दो, नहीं, क्योंकि ये कोर्स नॉवल पर डेडिकेटेड है तो आपको समझना ज़रूरी है कि नॉवल होता क्या है. ऑरिजिन्स एंड राइज ऑफ द नॉवल, ये सब आपको एकदम नॉर्मल रीडिंग से पढ़ना है, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, इसमें आपको समझना है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं समझने और रटने के बीच बीच का चीज़ है ये, थोड़े बहुत पॉइंट्स भी याद रखने हैं एंड ज़्यादातर समझना है, ठीक है. दो टाइप के एपिक्स बताए गए हैं इसमें, एपिक पोएम, ये सब में से ना थोड़े आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, सो इसको कवर करना. टाइप्स ऑफ द नॉवल ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, और ये खुद ही पॉइंट में दिए गए हैं तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, इसे अच्छे से कवर करना डीप रीडिंग के साथ. लिटरेरी ट्रेंड्स इन 18th एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ये बन सकता है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ देते हैं, तो इसको भी स्किप मत करना, इसको डीप रीडिंग से पढ़ लेना. मैं क्या बताऊँ यार, ब्लॉक वन का मैंने हमेशा बताया कि डीप रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लॉक वन में आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो. लिटरेरी ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी, सेम वही जो मैंने बताया डीप रीडिंग के साथ. यूनिट टू पे चलते हैं, यूनिट टू में हमारा है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल वन, दो पार्ट में बताया गया आपको यहाँ पे. तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में आपको बहुत कुछ समझाया गया कि किसी नॉवल में क्या होता है. इसमें देखो बहुत सिंपल चीज़ें दी गई हैं जिसको आप एकदम लाइट रीडिंग से भी कवर कर सकते हो, उसमें टाइम कम लगेगा. यूनिट वन पे मैं कहूँगी 1 से 1.5 घंटा डेडिकेट करना, ठीक है, 1 to 1.5 hours, ये टाइम डेडिकेट करना यूनिट वन, ओनली यूनिट वन, ब्लॉक वन नहीं बोल रही, ओनली यूनिट वन के लिए. उसमें बहुत कुछ है, वो आप ऐसे चीज़ें हैं ना उसमें आप किसी भी आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ. एंड ये जो सेकेंड यूनिट है ये आपको बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि आप ये ऑलरेडी जानते हो कि ब्लॉट क्या होता है, नरेटर, नरेटिव टेक्निक क्या होती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये तो. लेकिन फिर भी आंसर लिखना है ना, तो आंसर लिखने टाइम में इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में आएगा नहीं, तो उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है. सो इसको एक लाइट रीडिंग से कवर कर लेना, और एक और बेटर ऑप्शन यह है आपके पास की वेबसाइट से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे. चैट GPT यूज़ करो, जो आपको बेटर लगे, जो बुक से पढ़ना पसंद है तो बुक से पढ़ो. तो प्लॉट्स कवर करना है उस तरीके से, कैरेक्टर कैरेक्टराइजेशन उसको भी कवर करना है, यहाँ से ये जो टेबल दिया गया है फ्लैट कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर, ये भी एकदम लाइट में कवर करना, एकदम रटने वाली चीज़ें नहीं है ये. कैरेक्टराइजेशन है, यही सब कुछ इसमें है. फिर है नरेटिव मोड्स, ये भी कुछ वैसा ही है कि नरेटिव मोड्स क्या होता है वो उसके बारे में बताया गया, ये लाइट रीडिंग में करना है. सो बेसिकली यूनिट टू को लाइट रीडिंग करके पार करना है. यूनिट थ्री पे आएंगे तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल टू, सेम उस तरीके से एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हो, स्टाइल, थीम एंड स्टाइल, थीम एंड प्लेस और थीम्स, ये सब कुछ है. एकदम लाइट रीडिंग से कवर करो न्यू एरियाज ऑफ नॉवल राइटिंग, ये भी देखो लाइट से हो जाएगा, इतना इसमें कुछ टफ है नहीं, तो लाइट से कवर करो. थर्ड वर्ल्ड नॉवल लाइट रीडिंग, ये सारे लाइट में आपका हो जाएगा. फर्स्ट यूनिट याद रखना, उसको आपको टाइम देना है. यूनिट फोर पे आते हैं, फ्यूचर ऑफ द नॉवल पे, द नॉवल इन द 20th सेंचुरी बताया गया है यहाँ पे आपको, नॉवल इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब देखो लाइट में हो जाएगा, इतना कोई इसमें टफ नहीं है. द नॉवल इन द प्रेजेंट एज, द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, द फ्यूचर ऑफ द नॉवल, ये सब कुछ है ना जो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि ब्लॉक वन में कुछ छोड़ने लायक होता नहीं, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं. सो आपको लाइट रीडिंग से कवर करना है यूनिट 2, 3, 4, यूनिट 1 पे बहुत टाइम देना है. ब्लॉक 2 में आते हैं केट चोपिन द अवेकनिंग, ये आप सबसे पहले इसका समरी वीडियो देख लेना. लोकेटिंग द अवेकनिंग बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये इसका यूनिट 1 है. लोकेटिंग द अवेकनिंग बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझाया जाएगा. तो ये आप कहीं ना कहीं ऐसी समरी वीडियो देखना जिसमें आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें इंक्लूड करके बताई जाए, क्योंकि आप लोग जिस चैनल पर डिपेंड हो चुके हो, मैं जानती हूँ, जहाँ पे वो जो हैं सर वो सिर्फ और सिर्फ समरी बताते हैं, वो बैकग्राउंड नहीं बताते और ना तो वो कुछ एनालिसिस बताते हैं,
ठीक है, वो स्टोरी बस बता देंगे, हाँ ये स्टोरी था, लेकिन स्टोरी क्यों है, उस स्टोरी में ऐसा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ भी तो जानना ज़रूरी है, वो उसमें नहीं होता है। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि आप कोई ऐसी चैनल की वीडियो देखो जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड किए जाते हो। सो इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग, लाइट रीडिंग, 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड लाइट रीडिंग, लोकेशन द राइटर एंड द नॉवल, स्किप द केट चॉपिंस ओवर, ये उनके वर्क के बारे में है, एक दो याद रखना है आपको इसमें से, ठीक है। फिर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द अवेकनिंग, जिसमें कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द अवेकनिंग है, सब लाइट में हो जाएगा या मेजॉरिटी चीज़ें आपकी समरी से ही कवर हो जाएंगी। बायोग्राफिकल अप्रोच टू द अवेकनिंग, जो बायोग्राफिकल अप्रोच है वो समझना होगा, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, पता ही है कि कितना आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में याद रखना होता है और दो तीन वर्क के नाम, और क्रियोल बैकग्राउंड क्या है, इधर से शॉर्ट नोट्स हो सकता है आ जाए, सो इसको एक बार लाइट में कवर कर लेना। एडना पॉन्टेलियर एंड केट चोपिन, उनका बायोग्राफिकल अकाउंट्स है ऑफ द लाइफ ऑफ केट चोपिन, सो इसे भी लाइट में कवर करना, स्किप मत करना, क्योंकि देखो कहीं से भी क्वेश्चन आने वाला है, ये 144 बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्रिटिकल रेस्पॉन्सेज टू द अवेकनिंग, क्रिटिकल रेस्पॉन्सेज ये स्किप करने लायक यूनिट है, क्योंकि अभी तक मैंने अभी किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा जहाँ पे वो लोग क्रिटिकल रिस्पॉन्स के बारे में पूछ रहे हो, लाइक क्रिटिक्स ने क्या बताया उसके बारे में, तो ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बट जैसा मैंने बताया अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर मन लगे ना ये यूनिट पढ़ने में, अगर कुछ समझ में आए, पहली बार तो क्रिटिकल वाली चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, तो अगर कुछ समझ में आए और इंटरेस्टिंग सा लगे तो पढ़ लेना, वरना कोई बात नहीं है। फिर समरी ऑफ 19th सेंचुरी अर्ली क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज, ये वही है यार, मिड सेंचुरी क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज, ये बहुत क्रिटिक के बारे में, मतलब क्रिटिक्स जो कहते हैं नॉवल के बारे में, वो सब है इसमें लिखा हुआ। मॉडर्न क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, सब कुछ वही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला यूनिट आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। यूनिट 4 है क्रिटिकल अप्रोचेस टू द अवेकनिंग, फेमिनिस्ट साइकोनालिटिकल अदर, ये वाली अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी पे बेस्ड है, किसी इंसान की क्रिटिकल रिस्पॉन्स नहीं पूछी जा रही यहाँ पे आपसे, आपसे पूछा जा रहा है साइकोलॉजिकली बताओ या फेमिनिस्ट के अप्रोच से बताओ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये यूनिट को आपको एकदम डीप से पढ़ना है, ठीक है। बहुत देर बाद मैंने डीप रीडिंग बोला है, तो आलस होकर ये मत बोलना कि नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी, इंपॉर्टेंट है यूनिट, इसको स्किप नहीं करना, ठीक से पढ़ लेना कि कौन से क्या अप्रोचेज हैं, ठीक है। वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ अवेकनिंग को बताओ कैसे, वो साइको एनालिटिकल अप्रोच से बताओ या फिर फेमिनिस्ट अप्रोच से बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनल ईयर में, तो थोड़ा टफ तो वो करेंगे। और ब्लॉक 3 में है गोपीनाथ मोहंती की पराजा, जिसमें लोकेटिंग पराजा लाइट रीडिंग से आपका यूनिट 1 इसका कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ ऑथर के बारे में बताया जा रहा है, और ओडिया नॉवल जहाँ से शॉर्ट नोट्स भी आए थे, तो इस तरीके के जहाँ पे हेडिंग मिले ना, इसको स्किप मत करना, शॉर्ट से हेडिंग रहते हैं, उधर से ही वो लोग शॉर्ट नोट्स पूछ देते हैं, सो इसको कवर करना। पराजा द स्टोरी इन आउटलाइन, ये समरी टाइप की होगी, इसकी समरी आप देख लेना यूट्यूब से, अगर मन हो तो बुक से पढ़ो, जो जैसा आपको सही लगे, योर विश, बट ऑफकोर्स वही बात, जिसमें आपको थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालिसिस मिले वैसी वीडियो देखना। फिर पराजा है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूनिट पार्ट 3 में, मतलब थर्ड ईयर में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताओ पराजा का, तो इसीलिए ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको डीप रीडिंग से कवर करना है। ये क्या है, द सब ऑल्टर्न वॉइस, सब ऑल्टर्न वो जो ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बोला जाता है, तो वो आपको दिखाना है कि इस नॉवल में जो सबऑल्टर्न वॉइस है वो किसका है और वो क्या है, यही सब चीज़ें यहाँ से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर से पढ़ लेना। तो ये यूनिट 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बुक से पढ़ना होगा। थीम एंड प्लॉट पराजा का आप स्किप करो, पढ़ो, आपको पता है क्या करना है, आपको जो सही लगे, क्योंकि ये समरी से कवर हो जाता है, थीम पूछा जाता है, तो आप समरी भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि थीम्स कैसे लिखते हैं। वैसे इतना तो अब हम लोग बेवकूफ़ है नहीं कि खुद से नहीं बता पाएं कि हाँ इस नॉवल में कौन सी थीम यूज़ हुई है, कौन सी थीम नहीं यूज़ हुई है। सो यूनिट 4 में पराजा नॉवल इन ट्रांसलेशन, इसमें आपको देखो शॉर्ट नोट्स जैसे बहुत कुछ मिल जाएंगे, तो इस यूनिट को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पराजा इंग्लिश एज अ ट्रांसलेटेड नॉवल,
लैंग्वेज उसका, और जस्ट अ सेकंड, कोलोक्वलिज्म, क्या कॉमन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज उसमें यूज़ किया गया है, पोएटिक प्रोज, वर्ड्स एंड एकोस. नहीं, यहाँ से शॉर्ट नोट्स आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये इस नॉवल के ऊपर बेस किया हुआ है, कुछ सेपरेट करके नहीं बताया गया है, नॉवल पे बेस्ड है. सो एकदम लाइट में पढ़ना है इसको, इस क्वेश्चन के आने के चांस थोड़े से कम है. ट्रांसलेशंस टू एंड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, अलग लैंग्वेजेस वाला, इसको आप स्किप कर सकते हो. इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राजा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो इसको एक लाइट रीडिंग करना, अगर आप समरी भी देख ली हो तो भी आप लिख पाओगे. प्राजा एज एन इंडियन टेल ऑफ सर्वाइवल, ये भी आप लिख लोगे. नहीं लग रहा है कॉन्फिडेंस तो बुक से ज़रूर पढ़ना मत, उसको स्किप करना. ये बहुत ही ज़रूरी नॉवल, चिनुआ चीवी, थिंग्स फॉल अपार्ट. ये अब ये मत सोचना कि ये तो हमने दूसरे कोर्स में या 112 BGC 112 जो मॉडर्निज्म वाला बुक था उसमें भी पढ़ा था, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर के नॉट होल्ड. वो वाला जो पोएम है वो एक्चुअली पोएम है जो कि विलियम बटलर यीट्स ने कंपोज किया है. तो उसी पोएम से चिनुआ चीवी ने ये टाइटल उठाया है और अपने वर्क में दिया है, अपने नॉवल का टाइटल रखा है थिंग्स फॉल अपार्ट. तो दोनों अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होना. चिनुआ चीवी की जो थिंग्स फॉल अपार्ट है वो एक नॉवल है, और विलियम बटलर यीट्स वाली जो थी द सेकेंड कमिंग नाम है उनके पोएम की, तो वो एक पोएम है और वो दूसरे कोर्स में, इसमें नहीं है. इसमें आपको चिनुआ चीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ना है. तो इसमें आपको अफ्रीका ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे आप देख चुके हो या कितना ज़रूरी है, क्योंकि इधर से आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे कोर्स में ब्लॉक वन और ब्लॉक फोर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरा आपके लिए स्ट्रैटेजी यही सही रहेगा कि पहले ब्लॉक वन करो, देन ब्लॉक टू करो, सॉरी ब्लॉक वन करो, देन ब्लॉक फोर करो, देन थ्री करो, देन टू करो. लास्ट में टू को करना, ठीक है? केट चोपिन द अवेकनिंग वाला टू को लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो समरी से कवर होने वाला है, ठीक है? तो समरी जब मन करे तब देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब रीडिंग करने बैठो बुक से तो आप यूनिट टू वाली चीज़ों को, ब्लॉक टू वाली चीज़ों को लास्ट में स्टार्ट करना. पहले वन करना, फोर करना, थ्री करना, टू करना, ठीक है? प्री कॉलोनियल अफ्रीका ये सब आपको डीप में पढ़ना होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख पाओगे. इतना कुछ टफ है नहीं. हाँ, बस थोड़ा अनफेमिलियर सा लगेगा क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा कुछ अमेरिकन, ब्रिटिश या इंडियन पढ़ते आते हैं, तो जब अफ्रीकन कुछ आता है तो उसमें कुछ न्यू टर्म्स मिलते हैं तो हम लोग वो देख के थोड़ा चिंता में आ जाते हैं कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट टफ. और उसके बाद अफ्रीका वाला चीज़ है, देन आफ्टर दैट अफ्रीका अंडर कोलोनियलिज्म. तो ये ना बहुत चीज़ें इसमें ऐसी है ना जो पढ़ने के बाद आपका एक और कोर्स प्रिपरेशन हो जाएगा, 114 वाला, ठीक है? पोस्ट कोलोनियल नॉवल का जो ब्लॉक वन है वो कवर हो जाएगा. कवर नहीं कहेंगे बट बहुत कुछ आप यहाँ से जो पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा, बहुत कुछ रिलेटेबल सा लगेगा क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अफ्रीकन पे फोकस किया गया है, कोलोनियलिज्म पे फोकस किया गया है, द डीकोलोनाइजिंग ऑफ अफ्रीका, ठीक है? ये सब डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? ये सोच के मत पढ़ना कि यार ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, सोच के पढ़ो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है. और आप इंडियन हिस्ट्री को इतने क्लोजली पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ का भी हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है? यूनिट टू पे आते हैं. चिनुआ चीवी लाइफ वर्क्स लिटरेचर सोसाइटी इन नाइजीरिया, ये आपको पता है क्या करना है इसमें. ऑफकोर्स आपको राइटर के बारे में एक दो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, दो वर्क याद रखना है, बस आपका काम हो गया. उसके बाद हम लोग अगर डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, देखो यार यूनिट टू को मैंने ऐसे स्किप कर दिया, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि यूनिट मतलब थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में आ करके उन्होंने क्वेश्चन को टफ किया है. तो मैंने एक पेपर में देखा था जहां वो ये भी पूछे थे कि राइटर के लाइफ में उसने बाद में जो नॉवल लिखे उसके बारे में बताओ. हाँ, लाइक डीएच लॉरेंस का पूछा गया था, कौन सा पेपर था वो, 112 ही था शायद से, जो भी था, मेरे को एग्जैक्टली एकदम याद नहीं आ रहा. बट वो एक नॉवल था, मतलब वो एक राइटर के बारे में क्वेश्चन आया था कि वो अपने लाइफ के सेकंड हाफ में कौन से नॉवल लिखे थे, ऐसा कुछ. तो यूनिट टू में अगर आपको लग रहा है कि आपसे कवर हो पाएगा तो पढ़ लेना. थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि आपको बहुत सारे नाम याद रखने होंगे और उन सारे वर्क में से कुछ कुछ समरी भी पढ़ना होगा. सो आप देख लो यार, आपको जो सही लगे. यूनिट थ्री, थिंग्स फॉल अपार्ट डिटेल्ड एनालिसिस. ऑफकोर्स ये आप बुक से पढ़ो या फिर यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, कवर करो, जैसे करना है वो सही है आपके लिए. चलते हम लोग नेक्स्ट पे.
स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, क्या स्पेसिफिक फीचर है ये आप डेफिनेटली पढ़ लेना, ठीक है, डीप रीडिंग से. आप भले ही समरी देख लो यूट्यूब से, लेकिन यहाँ से ये जो लास्ट यूनिट है इस बुक की उसको डेफिनेटली कवर करना. सिंप्लिसिटी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यूनिवर्सैलिटी बताओ इस नॉवल की, या मैन वुमेन रिलेशनशिप्स के ऊपर बताओ, या फोक मटेरियल, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, मेटाफर्स, ये बताओ. लैंग्वेज स्टाइल ये बताओ. कुछ भी यहाँ से पूछ सकते हैं. ये एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इसी के साथ में हमारा ये बुक भी एंड होता है और वीडियो भी एंड होता है. वीडियो एंड होने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लाइक जो आपको शॉर्ट नोट्स में काम आ जाए, या कुछ भी आपको लगे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके यहीं पे मुझे बता देना. मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि उनके ऊपर मैं स्टडी करके वीडियो बना दूँ, ठीक है. बट प्लीज़ ये मत बोलना कि यार पूरे के पूरे बुक की बना दो या पूरे यूनिट्स की बनाओ, ब्लॉक की बनाओ. वो पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो इतना लेंदी हो जाता है कि कोई वो देखना भी पसंद नहीं करता. तो उसका क्या फ़ायदा? आप टॉपिक्स बताओ, टॉपिक वाइज बनाने में कोई इतना इशू होता नहीं है. तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.